लोगों की जो 12 साल वनवास पूरे होने के बाद एक साल बाबा अज्ञातवास में जाएगा, तो उस समय यज्ञ का संभाल किसके हाथ होगा? परीक्षा होगी, परीक्षा होगी। कौन संभाल करते हैं और कौन भाग जाते हैं पता कैसे चलेगा? कौन जिम्मेवार है कौन गैर जिम्मेवार? परीक्षा नहीं होनी चाहिए। फिर गीता पाठशाला खोले बैठे हैं, अरे बाबा तो आते ही नहीं। अब तो जैसे ब्रह्मा बाबा चले गए वैसे ये भी बाबा, ये भी आया आराम गया आराम। गीता पाठशाला बंद करके बैठ गए। इंतजार करेंगे ना बाबा साल भर के बाद वापस आएगा। साल भर के बाद और ना आया तो आएगा पक्का, ना आया तो आएगा। ये क्या बात हुई? दूसरे रूप में आ गया तो उन्होंने पहचाना तो वो तो बहुरूपी है। वो तो साल भर भी बहुरूपी में ही रहेगा। और ये तो निश्चय है बाबा की, बाबा ने सारा ज्ञान तो दिया है बाबा के सिवा संभाले। तो 13वां साल पूरा होता है, 14वां साल पूरा होता है तो युद्ध क्या होता है? 14वीं साल में क्या हो जाता है? युद्ध की विभीषिका। उस समय भगवान नहीं बैठ के पढ़ाएगा, पढ़ाएगा है? अशांति का टाइम होगा कि शांति का टाइम होगा? तो अशांति के टाइम में पढ़ाई पढ़ाई जाती है क्या? एक मारा मारी हो जाएगी। 14 में पढ़ाई पूरी हो जाएगी। ये पढ़ाई पूरी होने के पीछे पड़े अंत दब तक जीना जब तक जीना है तब तक पीना है। अभी आपने बोला ना रानी मक्खी आएगी और कति का अंत हो जाएगा, तो अंत मतलब क्या? क्या पढ़ाई पूरी हो जाएगी कि हम बच्चों का पोशाक खत्म हो जाएगा क्या? अति का अंत हो जाएगा का मतलब है कि राजधानी की इकाई स्थापन हो जाएगी। कोई एक परिवार ऐसा निकलेगा जिस परिवार में लोग देखेंगे हाँ बिल्कुल सुख शांति है, यही असली ब्राह्मणों का परिवार है और बाकी सब नकली ब्राह्मण हैं। यही सूर्यवंश है, इसी सूर्यवंशी दुनिया की स्थापना होने वाली है। प्रैक्टिकल को प्रमाण की दरकार नहीं होती है। तो विजय माला 18 से पहले आ जाना चाहिए, सबको दिखाई पड़ जाएगी। अपने ग्रुप में तो तैयार हो रही है ना। जैसे अभी नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ चुका है, तुम बच्चे आना जाना करते हो ना? हम बच्चों को तो जानते नहीं मिला आना जाने का। माना बाबा ने पार्शलिटी कर दी। बाबा ने पार्शलिटी कर दी कि किसी को नई दुनिया में उठा लिया और किसी को नहीं उठाया। हमने तो ऐसे बोला था या तो हमको योगिनी माता से मिला या फिर हमको एनएच में। किसी को बोलने से मिलाया जाता है क्या? कोई को बोलने से कहा जाता है कि तुम आ जाओ नई दुनिया में, है नष्ट हुआ लब्धा। जो नई दुनिया में पहुंचे उनकी पहली परीक्षा क्या होगी? स्मृति लब्धा। वो जब से निकले होंगे ज्ञान में तब से ही उनका ये गुण विशेष देखने में आ रहा होगा। क्या लौकिक परिवार वालों से ये तो पूर्व जन्म हो गया, अब तो हमारा नया जन्म हो गया। जो इनका नया जन्म हो जाता है पूर्व जन्म की स्मृति रहती है? भूलो इनको, अब तो भगवान हमारा माई बाप हो गया। क्या देह के संबंधों को भूल जाओ, ये देह को भी भूल जाओ, जैसा भी चीथड़ा मिलेगा पहन लेंगे। क्या बढ़िया बढ़िया सलवार चाहिए, कुर्ती चाहिए, बढ़िया बढ़िया फटाफट दुपट्टा चाहिए, 500 रुपए की साड़ी चाहिए सफेद धकाधक। फिर ये तमन्ना रह जाएगी। देह से मर गए तो मर गए। बढ़िया भोजन तला हुआ चाहिए, तला तलाया है, सीट चाहिए, 36 प्रकार के भोजन चाहिए, ये तमन्ना रह जाएगी नहीं। अरे खिचड़ी है, चलो जगन्नाथ का भंडारा ही सही, एक जन्म के लिए क्या बड़ी बात है। 84 जन्म का अगर सुखी ही सुख मिलता हो और एक जन्म के लिए त्याग होता हो, उस त्याग में भी भाग्य भरा हो, तो क्या बड़ी बात है। ये देह का आकर्षण छोड़ना, देह के संबंधियों को छोड़ना, देह के पदार्थों को छोड़ना बड़ी बात है क्या। लेकिन वो तो त्याग देते हैं, और हम मैं बपुरा बूढ़ न मरा, आए पता नहीं कोई हमारी संभाल करेगा कि नहीं, कल बीमार पड़ गए तो क्या हाल होगा है? है? सबको छोड़ दे, हाँ सबको छोड़ दे, कैसे साउथ सन्यासी की शूटिंग हो जाएगी, उनको भी साथ ले जाए। बाबा ने मना कर दिया तुम परिवार सहित मत आओ, मना कर दिया क्या? तुम तो ऐसे ही समझ रहे हैं। बाबा तो और खुश होंगे क्या, पूरा झाड़ का झाड़ निकल आया। हाँ योगिनी माँ सूर्यवंशियों की माँ है, तो अगर हम सूर्यवंशी हैं तो उनसे कनेक्शन हमारा होना चाहिए ना। चाहिए, और अगर कनेक्शन नहीं है तो जी तो कैसे रखें बाबा? कैसे रखे, उन्होंने कैसे रखा, उन्होंने सूर्य से कनेक्शन कैसे कर लिया, सब बता जी। अरे बाजू हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ ली, लौकिक संबंधियों ने बांधा चाहा, अभी तक भी बांध रहे हैं, अभी भी पुलिस लेकर के आ जाते हैं, झूठा मुकदमा नुधा के आ जाते हैं, नहीं बंधन में आ रही। और एक बाबा तो मुरली में कहते बंधन बकरियों को होता है। एक वार्तालाप में बताया आपने कि 3 और 4 जूतियाँ भी ले लेता है, एक जूती कम जाती है तो बाबा दूसरी जूती ले लेता है, तो 3 जूतियाँ काटने के लिए 3-4 शादियाँ भी कर लेते हैं। हाँ हाँ चौथी कौन सी है, चौथी चौथी जूती कौन सी है? जूती, हाँ यही बोला, सर का ताज नहीं है, जूती हो गई ना। यमुना निकलेगी नहीं, फिर गंगा निकलेगी नहीं, फिर सरस्वती, जगदम्बा सरस्वती निकली या नहीं, फिर लास्ट में सूर्यवंशी नहीं, जूती नहीं है, और वो यज्ञ को संभालने वाली माता नहीं है। अरे वो अत्री की पत्नी नहीं है, पत्नी है ना। काशी शिव की प्यारी नगरी कौन सी है? दिल्ली क्यों नहीं बताया, मथुरा नगरी क्यों नहीं बताई, क्या बताई? प्यारी नगरी काशी है, क्यों प्यारी नगरी है कि और कहीं ना कहीं फंस जाते हैं गुरु लोग, अपने चेले चपाटों में फंस जाते हैं, साधु सन्यासी गंगा जी महारानी। जमुना की मिट्टी तो है चिपकेली, जो आया उसको चिपका लेती है, जमुना की मिट्टी तो है चिपकनी। तो लक्ष्मी सर का ताज बनेगी ना, है वो जूती है, नहीं सर का ताज, फिर वो पवित्रता का ताज नहीं है। 4 जूतियाँ बताइए, एक सर का ताज है, वो जूती नहीं है। वो कहाँ बता रही है? तो आप कह रहे ना 4 जूतियाँ बताई वो सर। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ, लक्ष्मी माता आएगी वो तो सर का ताज है ना, उसे जूती कौन बता रहा है? तो आप प्रश्न पैदा कर रहे हैं, सर का ताज बताया, आप क्यों उठा रहे हैं इस बात को? सर का ताज है ना, भक्ति मार्ग में दिखा दिया है। लक्ष्मी विष्णु का पांव दबाती है, हाँ पांव की जूती है, तभी पांव को सुख कौन देता है? पांव को सुख देने वाला कौन सा वो क्या नाम वस्तु है जो पांव को सुख देती है? जूता या जूती। तो लक्ष्मी को भक्ति मार्ग में दिखा दिया पांव दबाने वाला। वो पांव ऐसे थोड़े ही दबाती है, पवित्रता की शक्ति से दुनिया के सारे काम संपन्न होते हैं। रुद्रमाला बनती जरूर है, लेकिन बनने के बावजूद भी राजधानी तो स्थापन नहीं होती जब तक पवित्रता की प्योरिटी की पावर सहयोग न दे। और माफी मांगती है तो कान क्यों पकड़ते हैं? भैया अब हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, हमने भूल कर दी तो दूसरों की बातों में आ गए, हमने उल्टा काम कर लिया। और रुद्रमाला और बीजे माला कब तक एकीकरण होगी? कब तक एकीकरण होगी? कितने दाने हैं? अरे रुद्रमाला विजय माला में दाने कितने हैं? 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 108 दाना विजय माला में है, 108 दाना रुद्रमाला में है। तो 108 दानों में सब एक ही धर्म में जाने वाले हैं या अलग अलग धर्मों के? माला बनाते हैं, एक ढेरी बनाई, दूसरी ढेरी बनाई, तीसरी ढेरी बनाई, चौथी बनाई, 8-9 ढेरियां बना दी। फिर नंबर 1 धा उसमें एक ढेरी पोड़े, फिर दूसरी ढेरी, तो ऐसे 9 ढेरियां फिर हुई थी। माला तैयार हुई कि नहीं? ऐसे ही करते हैं ना कि नंबर 1 फिर होते हैं या ऐसे ही अजर्रा जो माड़ा जहाँ से आया वहीं से उठा लिया नंबर 1? तो ऐसे ही ये 9 धर्मों के 108 मणके हैं, 12 ने में 108, 12-12 के ग्रुप नंबर 12 पिरोए जाते हैं। तो क्या उनका वर्ष फिक्स हो जाएगा कि एक ही वर्ष में है? सब राजाएं तैयार हो जाएंगे, सब रानियां तैयार हो जाएंगी कि टाइम लगेगा? तो क्यों ऐसी बात पूछते? तो बाबा ये 108 हर धर्म की 108 की माला होगी, हर धर्म की होगी। वो बात अलग, वो एक बात अलग। अभी तो सूर्यवंशी माला की बात हो रही है। तो दोनों के स्वभाव संस्कार एक होंगे जब भी पिरोए जाएंगे। बिल्कुल। सात दिन की मूसलाधार बारिश होगी, 7 दिन की विनाश के बाद मूसलाधार बरसात होगी। उसमें तो आत्माएं ढकी रहेंगी, आत्माएं ढकी रहेंगी। बरसात में थोड़ी ढकी रहेंगी, बरसात में नहीं ढकी रहेंगी। हाँ, बरसात होने के बाद ठंडक हो जाती है। आजकल बरसात हो रही ना, बरसात नहीं होगी, खुला मौसम होगा तो खूब गर्मी होती है। फिर जब बरसात हो जाती है तो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो 7 दिन लगातार मूसलाधार बरसात होगी तो दुनिया का वातावरण एकदम 0 पावर पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। तो पानी का क्या बन जाएगा? बर्फ ही बर्फ बन जाएगी। तो आत्माएं उसके अंदर ढकी रहेगी, शरीर भी। आत्माएं थोड़ी ढकती हैं, शरीर ढक जाएंगे। वो भी शरीर वो ढक जाएंगे जिन शरीरों ने योग बल का पुरुषार्थ किया होगा। जिन्होंने योग बल का पुरुषार्थ ही नहीं किया, धर्मराज के डंडे खाए हैं, जमीन हिली और बिल्डिंग गिर गई 100 मार की और सब दब के मर गए। किसी की टांग दबी हुई है, 6-8 दिन दबी रही और चिल्लाता रहा। किसी की बांह दब गई, किसका सर बच्चा हो गया, जिंदा रहा। तो तकलीफ होती रहेगी ना, तो सजाएं भुगतते रहेंगे। हाय हाय करके मरेंगे, हाय हाय करके शरीर छोड़ेंगे या आराम से छोड़ेंगे? हाय हाय करके। तो हाय हाय की दुनिया में जन्म मिलेगा या सुख की दुनिया में जन्म मिलेगा? हाय हाय की दुनिया में जन्म, यंत मते सुगते हो जाएगी। तो बाबा जिनका जो आत्मा बर्फ में, जो शरीर बर्फ में ढके रहेंगे, बाकी के जो बिना अलग होंगे, जो हाय हाय से मरेंगे वो नहीं, जो वरना शरीर बर्फ में ढके रहेंगे वो सत्युग में जाएंगे। तो सत्युग में पहला जन्म नहीं लेंगे, वो जन्म से नहीं होगी ना है? जन्म नहीं लेंगे ना सत्युग में। जो सूर्यवंशी बच्चे पहले पहले जाएंगे तो मैंने वो सारे ही ढके रहेंगे कि नंबर बार निकलते भी जाएंगे? तो जो नंबर बार निकलेंगे उनसे बच्चे पैदा होते रहेंगे। नहीं लेकिन वो जो कंचन का है उनके जाएंगे ना फर्स्ट में, जन्म लेके भी पाठ बजाएंगे ना वहाँ पर सत्य। जिनका शरीर रहेगा, जिनका शरीर रहेगा बर्फ से बाहर निकलेगा, उनसे बच्चों की पैदाइश होगी। लेकिन वो जो पैदा करने वाले वो ही तो हुए पैदा करने वाले, जो बर्फ में ढके रहे, बर्फ में रिजुविनेट हो जाएगा शरीर। बाबा वो जोड़े से जोड़े बनते हैं तो वहाँ जोड़े दोनों एक साथ तो बर्फ में ढकते नहीं, साथ में तो अलग अलग होते हैं। तो क्या हुआ, बर्फ से निकलेंगे फिर वो इकट्ठे हो जाएंगे, उनके वाइब्रेशन जहाँ जिसको खींचेंगे वो फिर इकट्ठे हो जाएंगे। शरीर का ये जो शरीर ही चेंज होगा, शरीर भी पूरा चेंज होगा। क्यों नहीं होगा? तो बाबा ये जो माउंट आबू में ग्रुप रहेगा और दिल्ली में ग्रुप रहेगा, तो माउंट आबू वाली आत्माएं माउंट आबू में ही बर्फ में दबेंगे और दिल्ली में ग्रुप रहेगा वो दिल्ली में दबेंगे, तो फिर ये एक साथ इकट्ठे। एक शूटिंग होगी, पहले रिहर्सल होगा। ये दबना दबाना ये तो बाद की है स्थूल दुनिया की। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होगी, ये स्थूल दुनिया का काम होगा, ब्राह्मणों की दुनिया का काम होगा। पहले बुद्धियोग से मिलकर के एक होंगे या शरीर से मिलकर के एक हो जाएंगे? बुद्धियोग से मिलेंगे। और तो बाबा जो है हम लोग संगम स्वर्ण युग का जो सुख भोगना है वो सुख कब से शुरू होता है? जब इंद्रियों के सुख से लगाव हट जाए। आज शुरू कर दो। आ जाओ काशी नगरी। काशी नगरी में भी नंबरवार हैं, उनकी भी परीक्षा होनी है। अभी फाउंडेशन डाला जाता है जमीन के अंदर, गहराई में जमीन खोद के, तो जो भी कंकड़ पत्थर उसमें डालते हैं, दुर्मुठ बजाते हैं जोर से। कोई पत्थर चिकना होता है, ये फिसल के गया, निकल गया बाहर। अभी भी इक्का दुक्का बाहर होते रहते हैं। सीढ़ी में देखते हैं, हाँ सीढ़ी में इतने ढेर लोग हैं। उदयपुर पे क्या होगा? क्या जो 85 से एडवांस में निकला हुआ उदयपुर वाला, हाँ तो वो वहाँ की वही मतलब जो है आत्मा को उतनी कितनी है बढ़ नहीं। शुरुआत में निकल आए तो निकल आए। देखिए आप जहाँ जहाँ सीढ़ी हम देखते हैं वहाँ ढेर सारे भाई बहन होते हैं, और उदयपुर में रदी नहीं हो रही। हाँ अब उदयपुर में युगल जोड़ी नहीं बन रहे हैं। नहीं बाबा ये लातूर निलंगाबाद में आई, कितने लोग गुजरात है वो तो गांव-गांव से इकट्ठे होके बैठे हुए हैं। बाहर के गांव के सारे इकट्ठे होके बैठे हैं। निलंगा का तो कोई भी नहीं है, तुम तो सारे उदयपुर के हो। फिर बाद में जो एमपी में इतने बाढ़ में भोपाल ढेर डाले, तो हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है उसको हम पूरी करना चाहते हैं। और वही हमारे खूब आत्मा निकले यहाँ। क्या पत्थर बुद्धि है क्या? पत्थर बाढ़ बहुत है। वो संख्या बढ़ानी है या 5 पांडव इकट्ठे करने हैं? पावरफुल। आप तो आप तो संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दोनों क्यों क्यों हो दोनों, जब पांच पांडवों से ही विजय हो जाती है तो करो 500 करोड़ का कल्याण, बड़ो माई बाप 500 करोड़ की जगदम्बा, बाकी वही है बस जितने हैं वो तो पांच पांडव से ही। अच्छी बात है, जगदम्बा की सब पूजा करते हैं, जगदम्बा से सब मनोकामनाएं प्राप्त होती है। जगदम्बा देगी गाने देगी तो बाप देगी, निमित्त तो है, सब मनोकामनाएं बाप पूरी करते हैं। क्या माँ कहाँ से लाएगी, देगी तो बाप से देगी, सहयोग तो बाप से। जो विदेशियों की मनोकामनाएं वो भी पूरी करती है, प्रैक्टिकल बातें हैं, वो प्रैक्टिकल बातें हैं। लक्ष्मी नहीं करेगी पूरी, करेगी हैं? अभी हम परिवर्तन हुए कहाँ, जब तक फिर वही हम की बात कहाँ, यहाँ जगदम्बा की और लक्ष्मी की बात हो रही है। परिवर्तन तो सब उसको परिवर्तन तो वही करेगी। जगदम्बा और लक्ष्मी में अंतर क्या है, जगदम्बा सब मनोकामनाएं पूरी कर देती है, लक्ष्मी वो ही दूंगी जो बाप ने दिया है, क्या दूसरा कुछ भी मेरे पास नहीं है, हैं? बाप से मिला है। जो जगदम्बा के बच्चे होंगे वो जगदम्बा की वकालत जरूर करेंगे। जगदम्बा भी वही देगी जो बाप ने दिया। बाप ने बेकार नहीं दिए, बेविचार नहीं दिया। बाप बेविचार देता है, मम्मा ने दी है। बाप बेविचार देता है? नहीं, वो नहीं देता है। नहीं देता, लेकिन जगदम्बा वो उसका पार्ट है। तो बस खत्म बात। तो जो ऐसे नहीं कि जो बाप देता है सोई जगदम्बा देती है। हाँ, जगदम्बा का पार्ट है सारे जगत को बांटना, सबको। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसने सबको गोद में पाला है, धना चमार नथु खैरा आयरा गैरा सब आकर के पालना ले लो। लक्ष्मी की गोद में देवताएं पलेंगे और धर्मवंशी विष्णु की गोद में पलते नहीं है। और तो आपने बोला जगदम्बा ना होती तो आप भी नहीं। बिल्कुल सही बात है, गलत बात है क्या? जो सच्ची बात है बोलना नहीं चाहिए, है? जगदम्बा है तो सारी दुनिया है, जगदम्बा ना होती तो ये नास्तिक जो रसिया के बैठे हुए हैं, एटम बम बनाने वाले, जिस दुनिया में रहते हैं उसी दुनिया को खलास कर देते हैं, वो कहाँ से आते, कहाँ से आते? जगदम्बा से ही आते हैं। जगदम्बा सारी दुनिया को जन जगत की अम्बा है, और लक्ष्मी दिति और अदिति। दिति है दैत्यों की अम्बा और अदिति है अद्वैत देवताओं की अम्बा। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अम्मा अम्मा में फर्क हो जाता है पैदाइश में। दो माताएं होती हैं किसी बाप को, एक माँ से बच्चे पैदा हुए, दूसरी माँ से भी पैदा हुए। जैसे कश्यप को 2 पत्नियां दिखाई, एक दिति एक अदिति। अब भाव स्वभाव का अंतर पड़ गया माताओं, धरणी धरणी का अंतर है। वही आलू उत्तर भारत में पैदा होता है, गैस नहीं करता। वही आलू वही बीज एक ही है, वही दक्षिण भारत में बोध हो जाके धरणी बदल गई, क्या बन जाता है? वही आलू गैस पैदा करने वाला बन जाता है। तो बीज एक ही है और धरणी धरणी अलग अलग हो जाती है, तो पैदाइश में फर्क पड़ जाता है। बाबा, जिन बच्चों का कनेक्शन जगदम्बा से होगा उनका लक्ष्मी वाली आत्मा से भी होगा, जिन बच्चों का कनेक्शन। क्यों काशी नगरी में जो जाने वाले हैं उनका जन्म, काशी नगरी का जन्म जो है जगदम्बा से नहीं हुआ। अरे काशी नगरी में जाने वालों की बात बाद में करो, काशी नगरी का जन्म जगदम्बा से नहीं हुआ। जगदम्बा नहीं निकली होती तो काशी नगरी का जन्म हो जाता, उसका भी जन्म जगदम्बा से हुआ। सारी दुनिया का जन्म जगदम्बा से होता है। तो जिन बच्चों का भाव कनेक्शन है जगदम्बा से, उनका लक्ष्मी वाली आत्मा से कनेक्शन होगा ना? आपको एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई। अब बाबा क्या करे इसमें? तो प्रजापिता वाली आत्मा के लिए भी बोला है कि ब्रह्मा मुख से सुने बिगर ब्राह्मण था क्या? हाँ, तो वो सुनना बड़ी बात है या समझना बड़ी बात है, धारण करना बड़ी बात है। जन्म तो हुआ ना। अरे बड़ी बात क्या है? सुनना बड़ी बात है, वो तो भक्ति मार्ग में भी सुनते सुनाते रहे, बड़ी बात हो गई। समझना बड़ी बात, समझना भी बड़ी बात नहीं है। कौरवों ने सब समझ लिया, रावण ने सारा समझ लिया। रावण बुद्धिमान समझदार था, विद्वान पंडित आचार्य था या बेसमझ था? सब कुछ समझ लिया, लेकिन धारणा नहीं की। तो मूल बात सुनने की नहीं है, मूल बात है धारण करने की। तो धारण कराने वाली शक्ति कौन है? धारणा शक्ति कौन है? फिर जो धारणा शक्ति है उसके लिए बोला आवाहन करो। अन्नपूर्णेश्वरी किसको? अन्नपूर्णेश्वरी, हाँ, वो किसके लिए है? कौन सी माता की? अन्न कहते हैं योग को। क्या अन्न किसे कहते हैं? याद को अन्न कहते हैं। अन्न भी दो प्रकार का है, एक राक्षसी भोजन मांसाहारी और दूसरा शाकाहारी। एक शाकंबरी देवी, एक मांसाहारी देवी। शाकंबरी देवी कौन? दोनों ही मिलती हैं, लक्ष्मी महालक्ष्मी, तभी तो महालक्ष्मी बनती है। संख्या नहीं बढ़ेगी, हमारे घर वाले तो कर लेना, हमारे घर वाले तो कर लेना। संख्या भाई नहीं बढ़े तो नहीं बढ़े, हमारे घर वाले कब कर लेंगे? मैंने शिव बाबा ने जो वरदान आपको दिया है वो आप भूल गए? नहीं, भूल तो नहीं गए, फिर क्यों रिपीट कर रहे? गुजरात माना बाबा के ऊपर धीरज नहीं है। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। बाबा चिल्लाते रहते हैं, वो फालतू है, तो क्यों पूछ रहे? ऐसे तो हो नहीं सकता कि घर वालों के हिसाब किताब पूरे न हो और हिसाब किताब पूरे होने से पहले ही वो ज्ञान में आ जाए। आपके साथ जो उनका हिसाब किताब है लेन देन का, वो पूरा करेंगे तभी तो आएंगे कि पहले जा जाएं। नहीं, भगवान बाप जो है वो पार्षिती करते हुए निश्चिंत रहो। अरे भगवान बाप ने बोल दिया, क्या बोल दिया है कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार मस्त हो जाओ। चलेगा चलेगा तो चलेगा, क्या 84 जन्म लेगा तो लेगा, दुनिया चाहे 84 जन्म न ले, लेकिन हमारे घर वाले सब स्वर्ग में जाएंगे। ब्रह्मा कुमारियां, दीदी दादियां, दादाएं इतने पुराने चल रहे हैं, वो नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे परिवार जाएगा। क्यों जाएगा? ऐसी क्या खास बात है उनमें? हाँ, वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां वो भी है हमारा ब्राह्मण परिवार, लेकिन उन्होंने हमको लात मार के निकाल दिया। हमारे घर वाले कभी नहीं चाहते कि लात मार के हम इनको निकाल दें और ये अलग चले जाएं। वो तो हमेशा आउजू करते रहते हैं, भले तुम ज्ञान में चलते हो तो चलते रहो। तो दिल का प्यार किसके पास है? हमारे परिवार के पास दिल का प्यार है ना। ब्राह्मणों के परिवार में दिल का प्यार है? नहीं है, इसलिए वो उनके परिवार वालों के लिए ये वरदान नहीं है। बाबा सत्तावती ने शरीर छोड़ दिया तो क्या हुआ? दोबारा जन्म लेकर के एडवांस में आ जाएंगे। तो उस क्या हुआ जो बाबा ने कहा कि गीता पढ़ता था? आपका पूर्व जन्मों का जो हिसाब किताब था वो पूरा होगा। अब जिन आत्माओं के साथ उनका हिसाब किताब पूर्व जन्म का रह गया है वो पूरा करने चले गए। तो गीता पाठशाला का अंत में युगलों की महिमा निकलेगी तो कैसे निकलेगी? युगलों की महिमा निकलेगी तो कैसे निकलेगी? तो क्या हुआ, युगल जो होंगे उनकी महिमा निकलेगी? होंगे नहीं युगल? तो आप ऐसी बात पूछते जिसका हमें जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आपकी लड़की ज्ञान में चलती थी? चलती थी कि नहीं? चलती थी। फिर क्या हुआ? नहीं चल पाई। ऐसा गड़बड़ मत बोलो, वो लड़की बहुत अच्छी थी, आपने जोर दिया और उसकी शादी हो गई। नहीं दिया मैंने। नहीं, उसने कहा मैं कंप्लीट। आप अड़ जाते तो कुछ नहीं कर पाती। उसने कहा मैं कंप्लीट नहीं करूँ। नहीं नहीं, माँ बाप देखो आज भी मुरली में आया, जो माँ बाप अपनी रचना की पालना नहीं कर पाते तो उनको दंड मिलता है। हम स्वर्ग में जाएंगे और हमारी रचना नहीं। उसने बोला मैं कंप्लीट में नहीं रहूँगी। चलो कंप्लीट में नहीं, दूसरे में मनिए। बाबा घर में कितना पढ़ता है और कंपल में नहीं रहोगे तो दूसरी जगह भेज दी जाएगी, क्या बड़ी बात? बाबा ने तो मुरली में बोला हुआ है तुम्हारी लाखों की तादाद में सेंटर्स खुल जाएंगे। उस समय से क्या मतलब है? आगे के लिए जो संगम होगा वो खत्म हो गया। संगम खत्म नहीं हुआ, परंतु मैंने उसको कहा कि तुम घर में गीता पाठशाला खोलो, तो फिर बाबा ने कहा कि वो कहाँ से गीता पाठशाला खोलेगी, वो तो कन्या है, कन्या थोड़े गीता पाठशाला खोलती है। हाँ, कन्याओं के लिए बाबा ने बोला है, कन्याओं को सेंटर दे देंगे संभालने के लिए। वो तो अभी दिखाई पड़ रहा है, लाखों की तादाद में सेंटर खोलेंगे और कन्याएं तो हजारों की तादाद में नहीं हुई अभी। तो कन्याओं की कमी पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? ताकि दोबारा जब आई तो मैं साथ कर दी, दोनों बाप बेटी आए। आप कुछ भी बोलिए, धर्मराज के आगे आप पकड़े जाएंगे। हाँ, वो आप बचेंगे नहीं। बच्चों को नरक में ढकेलना और खुश हो जाना और खुद स्वर्ग में जाना, ये पाप है। पहले जो माँ बाप होते हैं आग में से पहले बच्चों को निकालते हैं या खुद निकल के भाग जाते हैं? बच्चों को निकालते हैं। लेना तो पूरा संकल्प है। कन्या के ऊपर दोष मत धरिए, कन्या निष्पाप, कन्याएं निष्पाप होती हैं, वो कुछ भी बोले आपके सामने। वो फंस गई तो जहाँ फंस गई वहाँ की बात करेगी या ये कहेगी कि मैं अच्छे घर में नहीं आई? कन्या का धर्म हो जाता है कि वो अपने पति की पार लगाने की बात करे, खुद बाद में, लेकिन पति और पति का परिवार पहले पार लगे। तो बाबा ने जो बोला है उस पर शंका नहीं करनी है। बाबा ने बोला है युगलों की महिमा निकलेगी तो निकलेगी। आगे चल के युगल ही नाम वाला करेंगे बाबा का। बाबा कह रहे कि शादी के लिए मना कर रहे और अभी आपको बाबा बोल रहे कि युगलों की महिमा निकलेगी तो शादी की, तभी तो महिमा होती। ज्ञान में आने से पहले शादी की या बाद में की? तो महत्व तो युगल है ना, शादी बाद में करो। ज्ञान, सवाल यह है ज्ञान में आने से पहले शादी की या बाद में शादी की? तुम अपनी बात मत करो, सभी की बात, सभी युगलों की बात करो। ज्ञान में आने से पहले शादी की या बाद में की? दूसरी बात, बाबा की परमिशन से शादी की या लव मैरिज कर ली? बाबा परमिशन दें तो गंधर्वी विवाह हुआ ना, मुरली में गंधर्वी विवाह की बात आई ना, वो बाबा की परमिशन से गंधर्वी विवाह होता है। बाबा माँ बाप है बच्चों का, बच्चों की अगर सट्टाचोरी कराता है माँ बाप बन करके तो कोई दोष है क्या? कोई दोष नहीं। बाबा सबके 84 जन्मों की गति को जानता है, कर्मों की कोई गति को। बच्चे थोड़े ही जानते हैं, वो तो अज्ञानी अबोध हैं। शादी बर्बादी तो बर्बादी है अगर अपनी मनमत पकड़ लिया तो। और ऐसे शादी करने वाले, बाबा ने कितने बच्चों को परमिशन दे दी? ब्रह्मा बाबा ने। नाम याद है उनके? क्यों भी नाम याद नहीं? रमेश उषा हुआ, और एक दिल्ली में 2-3 बैठे हुए। तो बर्बादी हो गई या आबादी हो गई? है बर्बादी है? उषा रमेश तो बॉम्बे वाले हैं ना। उषा रमेश अकेले की बात नहीं, दिल्ली में जो बैठे हुए हैं उनकी बर्बादी हो गई या आबादी हो गई? क्यों हो गई बर्बादी? बाबा की परमिशन से किया उन्होंने, तो बर्बादी क्यों हो गई? नहीं, ब्रह्मा बाबा भगवान का रूप नहीं है, बाप का रूप नहीं है। ब्रह्मा बाबा के सामने बच्चे आते थे, रोते थे, बिलखते थे, बाबा हमारे घर में ये परेशानी, घर टपकता है, टूटता है, अब हम घर में बहुत तकलीफ हो रही है, बच्चों के लिए ये डर है, वो डर है, बाबा द्रवित हो जाते थे। अच्छा बच्चे, प्रॉपर्टी बना लो, मकान बना लो, एक कमरा गीता पाठशाला के लिए छोड़ देना, एक कमरे में गीता पाठशाला खोल देना। वो माथुर साहब मकान बढ़िया सा बना लिया और गीता पाठशाला कुछ भी नहीं, तो श्रीमत हुई या ब्रह्मा बाबा की मनमत हुई? है मनमत हो गई। यहाँ एडवांस पार्टी में किसी को परमिशन मिली है शादी करने की? मिली किसी को परमिशन? बाबा बोला था ना कि लड़का है तो घर से निकालो, तो लड़की है तो शादी करवा, उससे पाला नहीं करेंगे। ज्ञान में नहीं चलती, आप छोड़ दीजिए बात को, ज्ञान में नहीं चलती है तो बात है, जो ज्ञान में चलती है अच्छी खासी होशियार थी बहुत। वो लड़की तो अभी बड़े सेंटर की इंचार्ज होती, पढ़ी लिखी थी और ज्ञान के धड़ाधड़ पॉइंट्स बोलती। और बाबा जो युगल बाबा के आगे जाके सरेंडर हो जाएंगे उनकी महिमा होगी, या जो गर्भस्थ में रह के गीता पाठशाला चलाएंगे उनकी महिमा होगी? कोई भी युगल हो, सेवा कर, सेवाधारी हो, गीता पाठशाला चलाते हैं, पूरी श्रीमत पर चलते हैं, पूरा अपना पोता मेल देते हैं एक एक पैसे का, तो वो ऊंच पद नहीं पाएंगे। ये मतलब थोड़ा ही है कि सरेंडर कौन है, कागज पे लिखने से सरेंडर हो जाता है क्या? ये तो अंदर की बात है, कौन पूरा श्रीमत पर चलते हैं, कौन सरेंडर बुद्धि है, कौन सरेंडर बुद्धि नहीं है, कौन पूरा चलते हैं श्रीमत पर, कौन नहीं चलते हैं, कौन मनमत पर चलते हैं, कौन मनुष्यों की मत पर चल पड़ते हैं। बाहर से देखने में सरेंडर है, बाबा समझते हैं ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, तो सरेंडर बुद्धि हुए। माता ज्ञान में चलती है, उसका युगल नहीं चलता है, तो क्या करें? ज्ञान में चला है। एक टाइम ऐसा भी माताओं का आता है कि युगल छू 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 करता है, पुचुर पुचुर करता है, तो उस टाइम मना नहीं सकते। हर समय सर के ऊपर चढ़ के बैठता है कि पाँव भी चूमता है? कोई टाइम ऐसा आता है कि पाँव भी चूमते हैं युगल? आता है या नहीं आता है? आता है तो मना उनको, फिर दड़ा नहीं रह पाते, मोह आ गया, उनकी गिरफ्त में पहले आ गए, अपना काम भूल गए। हमें ज्ञान में ही आना था, तो हमने पहले शादी क्यों कर दी? शादी की हमें ज्ञान में आना था, शादी के बाद तो फिर हमने शादी क्यों की? ज्ञान में आने से पहले की ना, तो आपका दोष कहाँ है? तो प्रसाद ऐड होता है ना, आपका दोष कहाँ है? आपका दोष है क्या? नहीं है बाबा, पर बोलते हैं ना बाबा कि हमारा पुरुषार्थ ऐड होता है, तो हमने बीके पहले कर लिया, तो हम अभी डायरेक्ट बीके पहले कर लिया, मतलब पिछले जन्म में किया होगा, तभी हम एडवांस में है डायरेक्ट, तो पिछले जन्म का हमारा बीके का ऐड होता, ऐड हो गया, तो हम बिना शादी किए भी तो आ जाते हैं। तो आपने कोई ऐसा वहाँ कर्म किया होगा जैसे शादी लाजमी हो गयी? ज्ञान में आने से पहले। बाबा को या ड्रामा को कोई दोष नहीं दे सकता। नहीं बाबा दोष नहीं दे रहे, क्यों का सवाल पैदा हो रहा ना, ऐसा क्यों हुआ, क्यों माने उंगली उठ गई ना। नहीं बाबा अपने लिए ऐसे संकल्प उठता है कि हम पहले ही आ जाते हैं, आपके लिए नहीं। संकल्प क्यों उठना, ड्रामा में जो है सो कल्याणकारी, सब संकल्प खत्म। हाँ, ब्रह्मा बाबा की गदा सबसे बढ़िया। कोई बात आई, अच्छा ड्रामा निवृत्ति मार्ग की हो जाती है, बाबा शांति नहीं करती तो निवृत्ति मार्ग में संभाल रहे हैं। हाँ, ज्ञान में एडवांस में ज्ञान में चल रही होती, शादी न की हुई होती और बाद में बित बित करके इसकी तरह शादी कर ली तो फिर मैं और पाप बन गया। बाबा ने तो बोला शादी बर्बादी, और ज्ञान में चलने के बाद ही शादी कर ली। आपके ऊपर पाप तो नहीं चढ़ा बाबा की अवहेलना का। अब वो तो कुड़ी फंस गई, आप फंसे तो नहीं कम से कम। देख है बाबा मिला कल्याणकारी शादी। हाँ बाबा ने मिला कल्याण हुआ, हमारा तो कल्याण। हर बात में खुश रहना होना चाहिए। हाँ बाबा मिलते, अब सिर्फ ये देखना है अभी वर्तमान में हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही है। अगर हम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं है तो जरूर कहीं न कहीं श्रीमत का उल्लंघन हम कर रहे हैं, वो बात देखनी है। वो तो थोक पॉइंट है, याद और सेवा ये थोक पॉइंट है पुरुषार्थ का। बोल भी करते रहते हैं घर पे, बोल भी करते रहते हैं। बाबा बोलते हैं पोता मेल दो, अपना पूरा पोता मेल दो, और फिर जब हम लिखने बैठते हैं डिटेल में तो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर बोलते हैं शॉर्ट में लिखो, तो फिर कैसे लिखे। बाबा तो कहते हैं पोता मेल में 6-8 शब्द लिखना काफी है। मुख्य पोता मेल तो काम विकार का होता है, क्रोध विकार का होता है। अरे किस व्यक्ति के साथ, उसका नाम लिखो। किस स्थान पर, वो स्थान का नाम लिखो। कौन से टाइम पर, वो टाइम लिख दो। कौन सी तिथि तारीख है, वो तिथि तारीख लिख दो। कौन सी उम्र थी, वो उम्र लिख दो। ये सारी बातें लिख करके हमसे ये भूल हो गई। लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है। वही बात तुम 2 शब्दों में लिख दो, और वही जो 4-5 पन्ने हैं अपना प्रूफ प्रमाण देते रहो। हम ये बात ऐसे पर समस्या आ गई, वो समस्या वैसे आ गई, ये कारण बन गया, वो कारण बन गया, इसलिए हम मजबूर हो गए, इसलिए ऐसा करना पड़ा, हमारी कोई दोष नहीं। लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत। पापा युगल ज्ञान सुनते हैं तो ऐर निश्चय में क्यों आते हैं? युगल ज्ञान सुनते हैं कैलाश माता के ऊपर, ऐर निश्चय में क्यों आते? मेरे को बहुत रोना आता है, ऐर निश्चय में आ जाते हैं। निश्चय नहीं होता है आपके ऊपर, उनको बार बार ज्ञान सुनाते रहो। सुनाती रहती हूँ मैं। हाँ सुनाती रहो, जब मौका मिले तभी सुनाते रहो। ज्ञान सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। हाँ अंदर है तो बाहर नहीं निकालने दोगे। वो अंदर अंदर घुटघुटाता रहेगा तो सड़ान पैदा कर देगा, इसलिए हाँ कोई बात नहीं। आता है तो खूब निकाल दो उसको बाहर, और बाबा को बता दो। निकालते जाओ बताते जाओ, निकालते जाओ बताते जाओ। बाबा सवा 4 साढ़े 4 5 बजे तक अरे एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी पुण्याद। जिस घड़ी बाबा को याद वही अमृत, जिस घड़ी बाबा को याद वही अमृत ले लें। बाबा तो जो उदयपुर में निकले वो बस इतने ही मतलब कहेंगे। लेकिन से जो निकले हुए जो इतने ही पांडव रहेंगे, आगे वृद्धि नहीं होगी। आप प्रश्न क्यों पैदा कर रहे हैं? आप कहें कि ज्यादा निकलेंगे। अव्यक्त वाणी में बोला और राजस्थान की संख्या अंत में कमाल की बन जाएगी, कमाल की बढ़ेगी। बच्चे कमजोर नहीं निकले, आधे तो चले गए, आधे तो चले गए, जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? चंद्रा माता के शरीर छोड़ने से पहले कुछ चले गए, जाएंगे कहाँ? हट्टी तो फिर अब सुरेश भाई के साथ 5 मानो निकले, हाँ बचा कहाँ? आपने बचा लिया, बाबा की मुरली ने बचा लिया। वो मुरली का पॉइंट याद ना आता तो बचता ही नहीं। भगवान ही बचाएगा। हाँ? तो जो 4-5 वो निकले, बीके वाले थे, अच्छे थे, सब थे, क्या पता क्यों, मैं तो उनकी खान पीन की शुद्धि हो रही थी, इसीलिए बोले वो 7 साल भर से मुरली सुन रहे थे, परंतु खान पीन में उनकी शुद्धि नहीं थी। क्योंकि मैं इन भाइयों से हो सकता है कि इन्होंने दीदी दादियों को जाके ना बताया हो, जब तक इन्होंने भट्टी नहीं की या भट्टी करने से पहले भी जब तक इनको निश्चय नहीं हुआ बाबा के पार्ट के ऊपर, तब तक इन्होंने दीदी दादी हो ना। जब निश्चय पैदा हो गया फिर बताने में कोई हर्जा नहीं। उन्होंने सुनते सुनते ही उन्हें जाके पूछ दी बात उनके कान में कि ऐसे ऐसे सुनाते हैं। खुद को निश्चय हुआ, फैसला कर पाए या नहीं कर पाए, और पहले ही दीदी दादी दादियों को बता दिया और उन्होंने ग्लानी का इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। तो ग्लानी का इंजेक्शन लगेगा वो तो अचेत हो जाएंगे। मैं तो बहुत कुछ एक साथ निकले हैं, कोई बात नहीं। 5 पांडवों में से एक युधिष्ठिर ही स्वर्गारोहण करता है, चिंता क्यों करते हैं? हाँ, और मेरे ऊपर कहते हैं तू घर आएगी तो ही मैं, हाँ तू घर आएगी तो ही मैं ज्ञान पर चलूंगा। तो फिर देर क्यों कर रही? ऐसा क्यों? क्यों पराए घर में रह कर, पराए घर में रहोगी तो कोई युगल खुश हो जाता है? तो ज्ञान में तो चले, ज्ञान में चले। वो कहते तो हैं तू आएगी तो मैं चलूंगा। हाँ, दुख दे रही फालतू का बेचारा। है वोट किया है वहीं से, अच्छी सतो प्रधान। उसकी पिटाई हो रही, उसके दिल से पूछो कि सतो प्रधान है कि तमो प्रधान। बाबा कोई सोल प्रवेश करके मुझे है कि बड़ा सीधा और सरल प्राणी है, जो भी है वो पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार है। हाँ वो मोनोम है ना सिंबल, हाँ जो सूर्यवंश का, हाँ वो में आपने की जो छपाई होती है उसमें क्यों नहीं है? क्या वो से प्रिंट वगैरह छपता है अपने, हाँ प्रिंट छपते हैं उसमें सूर्यवंश का जो सिंबल होता है, हाँ जो अभी सीडी कलर महल वगैरह में लगा हुआ है, हाँ सीडी वगैरह में लगा हुआ। ये तो भक्ति मार्ग के राजाओं की याद है। हमारे उदयपुर में सूर्यवंशी है जो इतना बड़ा सोने का सूर्य बना हुआ है आज भी, और कई लोगों को मतलब आज भी नियम है कि सूर्य को नहीं देखेंगे तो वो खाना नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। तो पहले जमाने में वहाँ जो हमारे राणा दरबार के यहाँ बना हुआ है वो सूर्य, उसको देख के पानी पीते थे या खाना खाते थे। वो आज भी है, केवल एक कुंटल सोने का बना। तुम रोज नहीं देखते? तुम नहीं देखते हो रोज? रोज देखते हैं, पर पहले वो भाई ये कह रहा कि वही सिंबल हमारे अंदर भी रहना चाहिए, जो भी हमारे सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। तो तुम अंदर सूर्य को याद नहीं करते? पहले उसे याद करते, सूर्य को याद नहीं आता। लेकर जब उसके ऊपर भी जो सिंबल बना हुआ है पूरा सूर्यवंशी पहले हमारा ज्ञान दिखाने का है या अंदर का है? फिर इंटरनेट वगैरह पे सब तरफ आपका ज्ञान आपका गुप्त कहाँ रहा? ज्ञान गुप्त कहाँ गया? ज्ञान गुप्त कहाँ है? गुप्त नहीं है तो सारी दुनिया जान लेना फिर, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जान लेना फिर। गुप्त है, अभी गुप्त है, जब टाइम आएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। जब जब पूरा चुनाव हो जाएगा, जिनको चुना है वो परिपक्व के स्टेज पे पहुंचने लगेंगे तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। योग जुगुत जप मंत्र प्रभाव फलय तवे जब करियो दुराऊ, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं। जब तक हम गुप्त नहीं रखेंगे तब तक फलेगा नहीं। बीज बोया जाता है, जमीन के अंदर बोया जाता है, गुप्त बोया जाता है। बच्चा पैदा किया जाता है, गुप्त पैदा किया जाता है, नहीं तो दुष्ट संतान पैदा हो जाएगी। कोई भी अच्छा काम करना है तो क्या करना है? जब तक उसकी प्रत्यक्षता ना हो जाए गुप्त रखना है। महाराणा प्रताप के जो कमर में बंदी दो तलवार है, उसका बेहद में आते थे महाराणा प्रताप के एक तलवार के दो तलवार है, इसका बेहद में आते एक म्यान में दो, एक म्यान नहीं वास्तव में दो म्यान थी उसमें। ध्यान से देखो ऊपर का एक ही था, बाकी दो। हाँ ध्यान से देखो उसके अंदर। पकड़ने का हत्था एक होता है, लेकिन म्याने वास्तव में दो, दोनों म्यानों को मिला के एक एक म्यान बना दी गई, दोनों के संस्कार मिला के महालक्ष्मी बना दी। दोनों नारायण को इकट्ठा करके महानारायण बना दिया। वो शिव बाबा की एक तलवार हो गई। ये जो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर दोनों वीरों की भूमि है, तो सारा राजस्थान वीरों की भूमि है। यहाँ पर वीर आत्मा तो निकली नहीं, और क्या निकली नहीं, यहाँ की वीर आत्मा निकली नहीं, यहीं की तो वीरता गाई गई है। हाँ राजपूतों की तो वीरता गाई गई है। अभी अंत हो गया क्या? गायन होगा वो अंत समय का होगा या मध्य का आदि का होगा? है ये आप कहते हैं, बाबा ने तो नहीं कहा कि अंत समय चल रहा है। आपका पाठ प्रत्यक्ष हो गया? आपका पाठ प्रत्यक्ष हो गया? आपका होगा नहीं होगा, हमारा पहले कैसे होगा? तो अंत क्यों कह रहे हैं अभी? तो अच्छा जब हमारा पाठ प्रत्यक्ष हो जाए तो अंत हुआ। राम वाली आत्मा के लिए कहेंगे कि अंत कब हुआ? 76 में उनका पार्ट क्लियर हुआ, बुद्धि में निश्चय बैठ गया कि मेरा ये पार्ट है तो अंत हुआ। पार्ट क्लियर नहीं हुआ है, मैं कौन, हू एम आई, तो अंत कहाँ हुआ अभी? अरे बीजारोपण तो हो जाए कम से कम। अच्छा बाबा, जब भी मैं बहुत याद करके सोचती हूँ तो रोज सपने में आप आते हो, तो क्या मुझे ये साक्षात्कार करवाता है? सपना कोई साक्षात्कार थोड़ा ही होता है, ये तो सारा दिन याद करेंगे तो रात में याद आ जाएगा। तो बाबा ने मिसाल दिया, ओ कपड़ा फाड़ने वाला व्यापारी सारा दिन कपड़ा फाड़ता है, रात में अपनी धोती फाड़ देता है। बाबा मुझे तो पोस्टमैन का बाबा आया मेरे पास। हाँ फिर क्या बात है। ये साक्षात्कार है। पहले तो मुरली सुनाते बाबा, जैसे आपको तो मुरली सुनाते, अब बाबा सिर्फ दिखाई देते हैं। मुरली और विनाश दो के सपने बहुत आते हैं बाबा, मुरली प्राप्त हो गए विनाश। पार्ट क्लियर होता जाएगा। क्या उनकी कितनी पढ़ी चलेगी या पढ़ाई पूरी हो जाएगी? फाइनल परीक्षा पूरी हुए बगैर किसी को पद नहीं मिलता है। नहीं, किसी आत्मा को उसके अंदर निश्चय हो जाए कि मेरा पद ये है, मेरा पाठ ये है, तो क्या उसकी पढ़ाई पूरी होगी? बाप का और बाप के 84 जन्म जो साथी हैं, उनका पाठ निश्चय हो गया? उन्हीं का नहीं निश्चय हो गया तो दूसरों का कहाँ से हो जाएगा? अपनी जो पाठ होगा नंबरवार माला क्लियर होगी कि 16,108 या 9 लाख की माला पहले प्रत्यक्ष हो जाएगी। फिर मालूम पढ़ना ही तो प्रत्यक्षता है। अपने को मालूम पड़ना यही तो प्रत्यक्षता है। मुझे कभी कभी फीलिंग आती है बाबा कि मतलब जब भी याद करती हूँ या फिर मुझे सपने में बाबा जी के कहीं आश्रम में जा रही हूँ, कहीं सेवा कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि क्या मुझे साक्षात्कार चंद्रमन की आत्माओं को साक्षात्कार करवा के बाबा ने कमा रहा है, तो क्या मुझे भी उसी चंद्रमन में भेजेगा क्या बाबा? आप साक्षात्कार की बात कर रहे हैं? नहीं, सपने की बात कर रहे हैं। सपने में सपना अलग बात है, साक्षात्कार अलग बात है, संकल्प अलग बात है। मैं याद करी थी तो आप बिल्कुल सामने आया और कहा कि 14 दिन में मैं तुमसे मिलूंगा, 14 दिन के अंदर तुमसे मिलूंगा। उस दिन 10 तारीख थी, मैंने उसी समय गिनती लगाई, मैंने 24 तारीख होता है तो 24 तारीख तक मुझे कहीं नहीं जाना, बाबा आएगा। और कल मैंने यहाँ क्लास में भी ये निश्चय करके नहीं बोला, मैं अपना क्लियर नहीं किया, मैंने कहा बाबा आएगा जब भी तो मेरा क्लियर होगा कि हाँ बाबा आ गया। तो मतलब 10 से 14 के बीच, मतलब 14 दिन बताया था, 24 तारीख को मेरे 14 दिन पूरे हो गए। तो ये तो मेरा साक्षात्कार क्लियर हुआ, खुली पहले ही पूरे हो गए और खुली आंखों से किया ये तो बाबा, ये तो साक्षात्कार हुआ ना। तो क्या मुझे चंद्रवंशी में ढकेलेंगे क्या? खुली आंखों क्या मुझे हमको से साक्षात्कार किया ये जो आज बता रही हूँ 10 तारीख को। आप मम्मा को ज्यादा याद करते होंगे? ज्यादा याद करेंगे तो चंद्रवंशी हो जाएंगे। याद आपको करते हो, लक्ष्मी माँ का करते हो। देखो मम्मा जो ब्रह्मा कुमारियों की बीज कौन है? नहीं याद उनको नहीं, बीज कौन है बताओ? वो तो जगदम्बा ही है। जगदम्बा ही ब्रह्मा कुमारियों की बीज है, तो बीज को जो याद करेगा तो कौन से वंश में जाएगा? चंद्रवंशी। नहीं मैं याद तो नहीं करती, याद आपको करती हूँ और उनको तो योगा देती हूँ कि अब तो समझ जा ब्रह्मा, आवाहन करती हूँ। ब्रह्मा गीता का भगवान नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ ही गीता का भगवान है, ब्रह्मा बाबा समझ जा। तो ब्रह्मा बाबा आत्मा समझे की जब भी उस मूर्ति का कल्याण होगा, बाकी उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला नहीं है। और लक्ष्मी माता का चलो बहुत बड़ी बात है जो ब्रह्मा के मुख से बोल दिया। ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा नहीं है। कौन है जगदम्बा? दादा ना वो जगदम्बा है, ये ब्रह्मा जगदम्बा नहीं है। जगदम्बा तो प्रत्यक्ष होने वाली है बाद में, ये ब्रह्मा भल चला जावे, ये बाप भल चला जावे तो भी माँ अंत तक पालना करती रहेगी। बाप चला जाएगी तो बात नहीं की बाबा ने बोला। हाँ बाबा चला जाएगा लेकिन अम्मा अंत तक रहेगी। तभी तो मम्मा की शरीर छोड़ने के बाद जब बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो ढेर सारी टूट गई। मम्मा की शरीर छोड़ने के बाद मम्मा ने जब शरीर छोड़ा ना तो ढेर सारे ब्राह्मण जो मम्मा के ऊपर ज्यादा विश्वास करते थे, मम्मा को ज्यादा फॉलो करते थे, मम्मा से ज्यादा प्यार करते थे, और अब टूट गए इसी बात पर कि बाबा ने तो बोला था बाबा भल चला जावे लेकिन मम्मा अंत तक पार्ट बजाएगी। बात को समझा नहीं कि कौन सी मम्मा कौन सा बाबा। मुरली में तो बाबा ने क्लियर कर दिया इन ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, तो उनकी तो बात ही नहीं थी। यहाँ ये बात लागू होती है क्या? ये बाबा भल चला जावे लेकिन मम्मा अंत तक पालना करेगी। बहुत बड़ी पालना का रूप हो जाएगा। पालना का रूप हो जाएगा, फिर दो बार पालना का रूप हो जाएगा, बड़ा राज करेगा खालसा। तो फिर भी देवी को तो डुबाएंगे है देवी को तो सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या आत्माओं की होती है? दो बार देवी को डुबाया। सच्चाई क्या आत्माओं की होती है कि बाप की होती है? बाप परमात्मा बाप की होती है। तो सच्चाई प्रत्यक्ष होगी कि नहीं? झूठे प्रत्यक्ष होंगे। फिर बाबा सागर मंथन का किस आत्मा ने सागर मंथन किया? किस आत्मा ने? हाँ। देवताओं असुरों दोनों ने सागर मंथन किया? नहीं बाबा। हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब राम वाली और कृष्ण वाली आत्मा दोनों एक ही तन में है, मतलब कृष्ण वाली आत्मा भी प्रजापिता के तन में प्रवेशता हुई और निराकार परमात्मा शिव जो है रामाली आत्मा के तन में प्रवेश किए। मीरा तो मैंने सागर मंथन का कार्य किया। मीरा निराकार 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 को सोचने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। निराकार क्यों मंथन करेगा? सागर मंथन का मेहनत कौन करेगा? जिसको पुरुषार्थ करना हो, अपनी आत्मा का कल्याण करना हो, मेहनत करे। बाबा को मंथन करने की क्या दरकार? शिव बाबा को शिव बाबा थोड़ी मंथन करता है। मंथन देवताएं करते हैं और असुर करते हैं। दो पार्ट हो गए। तो अमृत निकला, सागर मंथन हुआ, तभी तो निकला। अमृत पहले निकलता है कि अमृत बाद में निकलता है? पहले क्या निकलता है? है हाला हाल विष निकलता है, सबको हिला देता है। अभी सबको अनिश्चय बुद्धि कौन सी बात बनाती है? इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ज्ञान लिया, इतने एडवांस पार्टियों वालों ने ज्ञान लिया, विष्णु पार्टी वालों ने ज्ञान दिया, उनको एक मुख्य बात है जो ज्यादा हिलाती है, सब हिल जाते हैं। वो पॉइंट कौन सा है? सब सबको अनिश्चय पैदा हो जाता है। शंकर जी ने विष न पिया होता तो अनिश्चय पैदा नहीं होता। एक ही उसका नाम रख दिया हाला हाल, सबकी बुद्धि को हिला देता है। सोचारत में निकले सागर मंथन हुआ है। अपना टाइम देखना, हमें तो कुछ नहीं। अब आपके पास स्टॉक नहीं रहा, इसलिए देर देर में पूछ रहे हैं। ओम शांति। जैसे बाबा एक ही बार इतने क्वेश्चन मेरे को, मुझे वाले कोई क्वेश्चन होते नहीं है। हाँ, कोई कभी क्वेश्चन नहीं होते। 3 साल हो गए ना, की सीढ़ी नहीं निकली एक भी। तो सब नीचे माता पिता से पालना दी हुई है, पुराने नीचे है, नहीं गलती नहीं हो रही है इसका थोड़ा सा।